मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो सुख समृद्धि का प्रतीक है और हमेशा एवरग्रीन ऐसे ही बना रहता है। सर्दियों में भी ऐसे ही रहता है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आपने कुछ बातों का ध्यान रख लिया तो मनी प्लांट आपके घर में ऐसे ही ग्रो करता रहेगा। जैसे कि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो इस टाइम आप अपने मनी प्लांट को इंडोर कर दें, यानी अगर वो बाहर पड़ा है तो उसे इंडोर रख दें। इंडोर इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसमें लेस वाटरिंग करें, ऊपर से शावर कर दें पत्तों को कभी कभी, और इसकी जो सूखी पत्तियां हैं उनको हटाते रहें, तो मनी प्लांट ऐसे ही एवरग्रीन बना रहेगा। देखिए इसमें दो कलर का मनी प्लांट है, एक तो ग्रीन और एक ये लाइट ग्रीन। और मनी प्लांट कई वेराइटीज़ में आता है और हर वेराइटीज़ की अच्छी लगती है, और मुझे मनी प्लांट को ग्रो करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसके काफ़ी सारे प्लांट आउटडोर ही रखे हुए हैं, इंडोर तो एक दो प्लांट ही रखा हुआ है, बाकी मैंने सारे इसके आउटडोर रखे हुए हैं प्लांट। और अगर आप आउटडोर रखना चाहते हैं तो थोड़ा इसे शेड में रख दीजिए, अदरवाइज़ ये ठंड की वजह से इस तरह से होने लग जाएगा, इसके इस तरह से ये सूखने लग जाता है। ये ठंड का ही लक्षण है और ठंड के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सूखे पत्ते इसके हटाते रहें ठंड के असर के कारण, क्योंकि ओस पड़ती है ना, तो ओस इसके लिए नुकसानदायक है ना, क्योंकि ज़्यादा ठंड से इस तरह से ये मुरझाए मुरझाए ऐसा लगता है। अगर प्रॉपर धूप रहती है तो ये ठीक रहता है, लेकिन अब देखिए जैसे कितना टेम्परेचर डाउन जा रहा है और ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो इसमें थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। अब जैसे मौसम चेंज होगा तो फिर, क्योंकि मैंने मनी प्लांट काफ़ी सारा और भी लगा रखा है, तो मैं इसे कहाँ तक अंदर रख सकती हूँ, है ना, तो इसलिए मैंने इसे ओपन में ही रखा हुआ है। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ये ऐसा रहेगा, उसके बाद फिर ये एकदम से ग्रीन हो जाएगा। और मनी प्लांट को मैंने कितनी तरह से बताया हुआ है कि आप इसे कई तरीके से लगा सकते हैं, कटिंग से किस तरह से लगा सकते हैं और इसकी कटिंग कैसे कैसे चलती है, सारे मैंने वीडियोस में बता रखे हैं। मनी प्लांट के ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा वीडियो आई हुई हैं और अगर आप चाहें तो मेरी वो वीडियोज़ देख सकते हैं। और इस तरह से मैंने उसमें कई तरह से वेराइटी बता रखी है कि आप अलग अलग तरीके से किस तरह से लगा सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। आप इसको रिच सॉइल में लगाएंगे तो बहुत अच्छे से चलेगा, और जो भी इसकी लीव्स इस तरह से सड़ वड़ जाती है उसको टाइम टू टाइम हटाते रहें। और जब इसका टेम्परेचर सही आता है ना, जैसे कि फरवरी के बाद टेम्परेचर सही होने लग जाता है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। कोई लोग कहते हैं कि ये मनी प्लांट को पानी में भी लगा सकते हैं, तो हो सकता है इसमें ज़्यादा भर भर के पानी दें, ऐसा नहीं है। इसमें जब हम मिट्टी में लगाते हैं ना तो इसमें कम पानी की नीड होती है, और उस टाइम आप इसमें लेस वाटरिंग करेंगे तो ये बहुत अच्छे से चलेगा, और टाइम टू टाइम इसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह देते रहें तो बहुत अच्छे से। और सर्दियों में बस यही सजेशन है मेरा कि आप इसे थोड़ा शेड में कर दें, जैसे बिल्कुल आप इसे इंडोर नहीं रखना चाहते तो ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर ऊपर से ये थोड़ा सा ढक जाए, शेड में हो जाए, ताकि इसके ऊपर पाला ना पड़े, ओस ना पड़े, जैसे ये हरा भरा बना रहे। और बस ये थोड़ा सा एक महीने पर प्लांट्स की केयर करने की ज़्यादा आवश्यकता है, जनवरी में ही, और जो मोस्ट ऑफ द प्लांट ये जनवरी में ही हमारे ख़राब होते हैं, और फिर जब फरवरी का सीज़न आता है तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस टाइम फिर प्लांट्स फिर से नई नई ग्रोथ करते हैं और फिर इनमें नया रंग नया रूप देखने को मिलता है। तो बस इसी टाइम हमको थोड़ा सा प्लांट्स को सर्वाइव कराने की आवश्यकता होती है, उनकी केयर की ज़रूरत होती है। और बाकी इसमें फर्टिलाइजर सभी फ़िलहाल ना दें, क्योंकि इस टाइम ठंड में केवल ये खुद ही अपने आप मौसम से लड़ रहे होते हैं, तो फर्टिलाइजर की इनको नीड नहीं है अभी। बस इन्हें लेस वाटरिंग दें और थोड़ा सा इनको शेड में कर दें तो ये ऐसे हरे भरे बने रहेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए। थैंक यू।